स्वागत है बागडुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सुरतगढ़ के अंदर। आज हम बात करते हैं मध्यम समावर्तक और लघुतम समावर्तक के पार्ट नंबर 2 को। फर्स्ट जो वीडियो है एचसीएफ और एलसीएम का वो यूट्यूब पर पड़ा है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं कि किस तरह से एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं, मतलब मध्यम और लघुतम निकालते हैं। आज हम आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की, रेलवे की, बैंक की, सीजीएल की, आर्मी की, जीडी की, दिल्ली पुलिस, सीएटी, राजस्थान गवर्नमेंट, बैंक, किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ये प्लेटफॉर्म, ये क्लासेज काफी यूजफुल साबित है। एक बार सोशल मीडिया पर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के प्रेस को नोट करें। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखें, लैंग्वेज क्वेश्चन है किस तरह से कम टाइम में आप सोल्यूशन कर पाते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष पद 4 बचे। तो वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है आपको, अगर इसमें आप भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में शेष पद क्या बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12, 15, 20 और 54 इसका हम एलसीएम लेंगे। इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम किस प्रकार लिया जाता है ये आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूं। एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करने होते हैं, उस संख्या के टुकड़े करने होते हैं कि जैसे मान लो आपके पास 12 है, 12 को आप छोटे टुकड़ों में क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। 15 को आप छोटे टुकड़ों में क्या लिख सकते हो, 3 × 5 ऐसे टुकड़े करने जो आगे टुकड़े नहीं होते, जैसे 3 और 5 आगे नहीं होते, ठीक है ना। 20 को क्या लिख सकते हो आप, 20 को लिख सकते हो आप 2 × 2 और गुणा में 5। और 54 को क्या लिख सकते हो आप, 54 को लिख सकते हो आप 2 × 3 6 और गुणा में इसको करोगे 27 और फिर 3 आएगा और फिर 3 आएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हुआ, 9 × 9 = 18 इस तरह से है, ठीक है। ये 54 के टुकड़े, सभी के आपने टुकड़े कर दिए। अब आपको क्या करना है, यहां इसका क्या लेना है, एलसीएम, क्या लेना है, एलसीएम लेना। तो एलसीएम लेने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सभी में कॉमन फैक्टर देखेंगे, ये 2 सभी में कॉमन है, ये 3 सभी में क्या है, कॉमन, ये 3 सभी में कॉमन है। इन 2 में से ये 2 है, 2 में तीनों में नहीं है, फिर भी दोनों में से एक लेंगे, इन 2 पांचों में से एक 5 लेंगे। अब देखो तो यहां से आपके पास 2 आएगा, सभी में तो ये वाला और ये वाला कॉमन है, 2 में ये कॉमन है और 2 में ये कॉमन, इसके अलावा 3 × 3 जो बच गया सभी को लेना, छोड़ना किसी को नहीं, एलसीएम में किसी को भी नहीं छोड़ते, सभी को लेते, लेकिन पहले वो लेते हैं जो कॉमन है, ठीक है। अब गुणा करें, 6 का 2 से गुणा करेंगे 12, 12 का 5 से गुणा करेंगे 60, 60 का 9 से गुणा कर देंगे, 60 का 9 से गुणा कर देंगे तो 540 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा। 60 का किस से गुणा करना, 9 से, तो कितना हो जाएगा, 540। अब क्या बोलता है, प्रत्येक स्थिति में शेष फल 4 हो, प्रत्येक स्थिति में शेष फल 4 बचे। ऐसी जब कंडीशन आ जाए कि शेष फल कुछ बचता हो प्रत्येक स्थिति के अंदर, तो ये अब इस कौन सी वो संख्या है जिसमें इन सभी का अगर भाग लगाएं तो 4 बचना चाहिए भैया। तो आपके पास जो मान आया है 540, इसमें आप 4 जोड़ देंगे तो वो संख्या है 544, 544 वो संख्या। अब इस 544 में आप किसी का भी भाग लगा के देखो, जैसे मान लो 12 का भाग लगा के 544 में आपका देखना है, तो 12 चौके 48 कितने बचे हैं, 12 चौके 48 4 बच गए, 12 चौके 48 के अंदर ये 12 चौके 48 6 64,
12 पांच 60 चार से इस पर बचेगा। इस 15 का भाई लगाओगे तो 15 45 और ये बचेंगे 94, 15 छिका 90 चार बच रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर, साथ में चेक भी कर सकते हैं कि शेषफल चार बच रहा है या नहीं बच रहा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 7 जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, लैंग्वेज पर कमांड बनानी है, 7 जोड़ दिया जाए तो 24, 32, 36 तथा 54 से पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या होता है, पूरा पूरा भाग जाए जहां से शेषफल जीरो बचता हो, ठीक है ना। तो अब देखो सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, सबसे पहले हम इसका एलसीएम देखेंगे। सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, 24, 32, 36 और 54, इसका एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। तो एलसीएम निकालने के लिए इसके टुकड़े करते हैं, 24 के टुकड़े करो, तो 24 को लिखेंगे 2, 2, 4, 4 का 2 से किया 8, 8 का 3 से किया 24, ऐसे टुकड़े करने जो आगे टुकड़े नहीं होंगे। अब 32 क्या करने, तो 32 2, 2, 2 फिर 2 और फिर 2, ठीक है ना, 4, 8, 16, 32, ओके। अब हम क्या करेंगे, 36 के टुकड़े करेंगे, तो 2 गुणा में 3, 2 गुणा 3 कितने हुए, 6, 6 का 2 से गुणा कर देंगे 12, 12 का फिर 2 से गुणा, 12 का 3 से गुणा, 12 का 3 से गुणा, ठीक है ना। तो ये देखो 4, 4 का 3 से किया 12, 12 36, और 54 का करेंगे तो 54 का क्या हो जाएगा, 2 गुणा में 3, 6, 6, 3 और, अब देखो 6, 3 गुणा 3 9, 9 6 4, अब देखो आपने टुकड़े कर दिए, अब आपको क्या निकालना है इसका, इसका निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखेंगे, कॉमन क्या आ रहा है, सभी में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। उसके बाद देखो और कॉमन क्या आ रहा है, ये तीन कॉमन आ रहा है, ये 2, इसमें दोनों में से एक लेंगे, इस 2 में से एक ले लेंगे और इन तीनों में से एक ले लेंगे, बाकी जो बच गया वो सब ले, सबसे पहले कॉमन ले। तो ये बच गया हमारे पास, इसमें से 2, इसमें से भी 2, आगे वाले में 2, फिर 3, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर 3, मतलब ये 2 बच गए और 3 बच गए, उसको लास्ट में लिख देना, पहले कॉमन लिखना। तो 4, 4 2, 8, 8 3 24, 24 दिए कितने, 72, यहां तक 72 हो गया, और 72 का 2 से गुणा करेंगे 144, कितना 144, अरे 72 कितने होते 144, 144 का फिर 2 से गुणा करो 144 का, तो 200 कितने हो जाएंगे 88, 144 का गुणा करोगे ना 144 288 हो जाएंगे, 288 का 3 से गुणा कर देना, 288 का किससे, 3 से, तो 288 गुणा में 3, 8 3 24, 24 और 2 26, और इसका भाग लगाएंगे तो 6 और 2 8, 864 हो गया। अब ये क्या कहते हैं कि इसमें 7 जोड़ दिया जाए तो, क्या कर दिया जाए, 7 जोड़ दिए, जब भी जोड़ने वाली कंडीशन आपको सामने पैदा करे तो आपको क्या करना है, 864 - 7 कर देना, तो ये बच जाएगा आपका 857, इतना बचेगा 857, वो संख्या है जिसमें अगर इसका भाग लगाएं तो पूरा पूरा भाग वो जाए, क्या करेगा, पूरा पूरा भाग जाए। तो इस प्रकार हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ को सॉल्यूशन करते हैं। जो भी आपने टारगेट बना रखा है सरकारी जॉब का इसी साल, उसको साकार करने के लिए ये यूट्यूब चैनल, ये प्लेटफॉर्म, ये क्लासेज आपके लिए काफी यूजफुल साबित है। तो एक बार इसको सोशल मीडिया पर शेयर करते रहें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कनेक्ट करें ताकि सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज का फायदा हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट ताकि आपके एलसीएम एचसीएम में आप बिल्कुल धुरंधर बने, परफेक्ट बने, कम टाइम में आप सॉल्यूशन कर पाए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भीड़ से आप थोड़ा हट जाए। 256 में घटाया जाए ताकि प्राप्त शेष फल को जब
सात बारह सोलह से विभाजित किया जाए तो शेष फल चार बचे, मतलब एक 1856 एक संख्या है, इसमें से अगर सात बारह सोलह से इसको विभाजित करें ताकि शेष फल कितना बचना चाहिए, चार बचना चाहिए, तो वो संख्या कौन सी, मतलब इस प्रकार की एक संख्या जिसको इससे डिवाइडेशन करें सात बारह सोलह से तो शेष फल चार बचना चाहिए, वो संख्या क्या, किसी न्यूनतम संख्या को 1856 में घटाया जाए, इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्यूशन करें। तो सबसे पहले देखें स्क्रीन पे हम क्या करेंगे, सात बारह सोलह का एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, सात बारह सोलह का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम किस तरह से लेते हैं ये देखो, सात का एलसीएम सात के फैक्टर करोगे तो सात ही होगा, ठीक है ना, सात का फैक्टर क्या होगा सात ही होगा, बारह के टुकड़े करोगे तो दो गुणा में तीन, और सोलह के टुकड़े करोगे तो दो गुणा में दो, ठीक है। अब एलसीएम क्या कहता है, सबसे पहले कॉमन देखो इन दोनों में से, इन दोनों में से, तो एलसीएम क्या कहता है, सबसे पहले कॉमन देखो तो इन दोनों में से एक दो, इन दोनों में से, इसके बाद क्या बचा, दो तो ये बच गए और तीन गुणा सात ये बच गए, सभी लेते हैं एलसीएम, यहां तक सोलह हो गया, सोलह तीन अड़तालीस, अड़तालीस का सात से गुणा करो तो आठ छप्पन, हासिल पांच और सात अट्ठाईस और पांच तैतीस, तो ये हो गया आपका 336, एलसीएम कितना आया 336 और वो संख्या कितनी 1856। अब हम किस तरह से ज्ञात करें कि शेषफल चार बचना चाहिए, वो संख्या कौन सी, वो संख्या कौन सी, तो अब देखो 336 हम क्या करेंगे, इस तरह से आपके तरीके से डिवाइडेशन करके दिखाता हूं, 1856 में 336 का आपको भाग लगा, 336 का आपको क्या लगाना है भाग लगा, किसके अंदर 1856, तो 1856 में जब आप 336 का भाग लगाएंगे तो पहली बार आप 1836 का तीन से जैसे डिवाइडेशन करते हैं तो पहली बार आता है, पांच बार इसको करेंगे तो 1680 आएगा, पांच बार भाग 336 का टेबल पांच बार लिखोगे 1680, माइनस करेंगे तो 176 आएगा। अब देखो अब 176 पर भाग तो जाने वाला है, यह संख्या बच जाएगी 176, कितनी आ जाएगी 176, लेकिन यह साथ में क्या लिखता है कि विभाजित किया जाए तो शेष फल कितना बचना चाहिए चार, तो वो संख्या 176 माइनस चार 172, 172। अब 172 के अंदर आप सात का भाग लगा के देखें, सात दुए 14, दो 22, सात दुए 14, तीन 32 और सात चौके 28, चार बच रहे हैं, शेषफल चार बच रहे हैं। ये देखो 12 का भाग लगा के देखो, 12 एकम 12, कितने बचे आपके पास पांच, 52 और 12 चौके 48, चार शेषफल बच रहे हैं। इसका मतलब वो संख्या कौन सी है 172 है, वो संख्या कौन सी है 172 है, कौन सी 172। इस प्रकार के लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 6, 9, 12, 15 का भाग देने पर शेष फल एक बचता हो, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, 6, 9, 12 और 15 इसका एलसीएम लें, इसका क्या लेंगे एलसीएम लें। अब एलसीएम किस प्रकार लिया जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इस पे, फिर भी देखें 6 के फैक्टर करते हैं तो 6 को लिखते हैं 2 गुणा में 3, 9 के फैक्टर लिखते हैं 9 को लिखते हैं 3 गुणा में 3, 12 के फैक्टर लिखते हैं तो 2 गुणा में 3 और 15 के फैक्टर लिखते हैं तो 3 गुणा में 5, 3 गुणा में 5 हो जाएगा 15 का फैक्टर। अब देख सभी में कॉमन क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है, ये 2 भी 2 में कॉमन आ रहा है, सभी में नहीं आ रहा, फिर भी लेना। तो एलसीएम में सबसे पहले कॉमन 3, उसके बाद 2 कॉमन लेने, उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है वो भी सभी ले लेंगे, ठीक है। इन सभी का गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 180, कितना आ जाएगा 180, एलसीएम कितना आया 180। क्वेश्चन ने क्या बोला है, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या,
अब मुझे बताएं कि चार अंक शुरू कहां से होते हैं? 1001 ये चार अंक है भैया, चार अंक यहां से शुरू होते हैं ना, 1001 से लेकर 9999, ये चार अंकों की सबसे छोटी संख्या है और ये चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और इसने क्या बोला है, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999 और इसमें जो एलसीएम आया 180, इसका डिवाइड करेंगे, इसका क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसका आप जब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 9000 और शेषफल बच जाएगा 99। शेषफल कितना बचेगा, 99 बचेगा, ठीक ना, और इसका पूरा पूरा भाग जाएगा और शेषफल आपका 99 बचेगा जब इसका भाग देंगे। तो अब देखो आपके पास चार अंकों की संख्या कितनी थी, 9999, शेषफल कितना बचा, 99। और यहाँ क्या क्या बोल रहा है कि शेषफल एक बचना चाहिए, यहां जो डिवाइडेशन किया तो 99 बचे, चार अंकों की संख्या 999 है, उसको जो शेषफल बच रहा है वो नहीं बचना चाहिए, तभी तो डिवाइडेशन होगा, उसको माइनस कर देंगे। और ये क्या बोल रहा है कि शेषफल एक बचना चाहिए तो प्लस एक कर देंगे, तो संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें से घटाएंगे तो आप देखें 99 घटा देंगे तो ये 900 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 9901, वो संख्या है कितनी है, 9901 वो संख्या है जिसमें अगर इसका डिवाइडेशन करते हैं तो एक शेषफल बचता है। तो ये थे आज महत्तम और समावर्तक और लघुतम समावर्तक के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, जिसको इजी कॉन्सेप्ट में मैंने आपके साथ रखा है। किस प्रकार आपका रिव्यू आता है कमेंट में जरूर लिखें, सोशल मीडिया पर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, बेल के प्रेस को जरूर नोट करें। जो भी आप अपने घर से इतने दूर दराज बैठे हैं, घर वाले परिवार को छोड़कर सरकारी नौकरी के सपना को साकार करने के लिए, अपने भविष्य को सुधारने के लिए, अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए, जो आप में जज्बा है उसी को कंप्लीट करने के लिए हार्डवर्क के साथ, सब यूट्यूबर की तरह ये यूट्यूब भी आपके सामने एक ऐसा मंच है जो बहुत ही ज्यादा एनसीईआरटी पर डिपेंडेंट, क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार आते हैं उस सभी पर मुद्दों पर ज्यादा डिस्कस नहीं करते हुए, उन्हीं मुद्दों पर डिस्कस करते हुए जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित है, ज्यादा से ज्यादा हम सॉल्यूशन कराने की कोशिश करते हैं ताकि आपके हर कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन से आप छू जाएं और हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप भीड़ से अलग होकर